प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने 20 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों वाले अस्पताल व कृषि मंडी में किसानों के अनाज को पानी से बचाने के लिए करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाले शेड का भूमि पूजन किया। साथ ही 40 लाख से बने कोविड सेंटर का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, क्षेत्र के विधायक माधव अनिरुद्ध मारू, जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, भाजपा नेता पुष्कर झंवर, वंशीलाल राठौर, दिनेश व्यास, महिला नेत्री मोनिका सोनी भी मंचासीन थे। काम की चाल ऐसी बनती है, लोग विचार करते रहते हैं। ये सब कांग्रेस के समय की बातें थी जब घोषणाएं होती थी और ये कब पूरी होगी पता किसी को नहीं होता। 40 साल में भी वो काम नहीं हुआ जो कांग्रेस ने घोषणा करी थी। ऐसे काम तो कोई नहीं हुए कांग्रेस में 60 साल पहले। जब सरकार में आए तो नेहरू जी ने घोषणा करी थी अनिवार्य शिक्षा लागू कर दो, फिर इंदिरा जी आई उन्होंने कहा अनिवार्य शिक्षा लागू करो, फिर राजीव गांधी आए उन्होंने कहा अनिवार्य शिक्षा लागू करो। वो तो भला हुआ अटल जी का जिनने अनिवार्य शिक्षा लागू करा दी देश में। मनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।